नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत फार्मिंग पर। मैं आर द्रविड आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं जो जिसके बिना हाइड्रोपोनिक करना बहुत ही टफ जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने क्या घड़े टांग रखे हैं और ऐसा क्या सिस्टम है कि आपको कुछ समझ में खास नहीं आ रहा होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ रहा हो। असल में जब मैं बीटेक कर रहा था तो उसमें मेरे सिलेबस में बहुत कुछ था, कूलिंग एवेपरेटिंग सिस्टम था, सरफेस कूलिंग सिस्टम था और तमाम इस तरह के कूलिंग सिस्टम्स है। जो RAC में हम लोग को पाया जाता है उसमें कुछ था, रेफ्रिजरेशन में था, तो उस तरह का मैं सारा चीज़ें जो हीट एंड मास ट्रांसफर हम लोग को पढ़ाया गया, तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई थी उसका इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया था। तो लास्ट टाइम में जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैंने डीन सर से अपना जो जिज्ञासा थी कि सर मैं जॉब छोड़ के मैं जॉब नहीं करना चाहता और मैं इस तरह का अपना हाइड्रोपोनिक स्टार्टअप करना चाहता हूँ। मेरे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर JP यादव, बहुत सारी नॉलेज है उनको, हम लोग को कम रहता था। उन लोग हमसे एक्स्ट्रा पढ़ने में, स्टडी करने में भी, जब हाइड्रोपोनिक कर रहे थे तो हम लोग से ज़्यादा वो रिसर्च पेपर पढ़ के हम लोग, ताकि उनका कहना था कि उनको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए इसलिए वो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उनका कहना था कि तुमको भी इसलिए ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा ताकि तुम अपने क्लाइंट्स को या जो कुछ भी तुमसे जानकारी लेना चाहता है तुम उनको सेटिस्फाई कर पाओ। तो उसमें हुआ क्या कि अप्रैल जब शुरू हुआ तो मेरे प्लांट्स में फंगस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर मैंने एडिन सर को बोला कि सर ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया, तो बोले कि लास्ट ईयर तुम्हारा डिस्कशन हो चुका, अभी क्या बचा है। फिर हम लोग बैठे रहे कि कूलिंग सिस्टम कैसे लगाया जाए। कूलिंग सिस्टम चिलर जो था, चिलर पता किया तो 25,000 का था, 25,000 का एफर्ट करना आसान नहीं था। तो बैठे कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि जो सस्ता हो, ईजी हो और कोई भी आसानी से कर सके। तो हम लोग था कि एवेपरेटिव सिस्टम के लिए हमने फॉगर लगा दिए थे और इंसुलेटिंग पेपर लगा दिया। अपने जरा इधर आप इधर दिखाइएगा, ये देखिए ये इस पर इंसुलेटिंग पेपर लगा हुआ है, जरा आप कैमरे को ऊपर करके दिखाइएगा, ये देखिए ये इस पर इंसुलेटिंग क्लॉथ लगा हुआ है। इससे क्या रहता है कि ये हीट को प्रिवेंट करता है और ऊपर जो है ये ऊपर फॉगर असेंबली लगी हुई है। ये एवेपरेटिव सिस्टम है कि जो मिस्ट आती है वो एवेपरेट होती है और सिस्टम को कूल करती है। और इधर इसको बोलते हैं सरफेस कूलिंग सिस्टम। तो इसमें होता क्या है कि हम पानी के जो पानी का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, उससे क्या रहता है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ये एवेपरेट होने के लिए क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉल्यूशन को ठंडा कर देते हैं। इसमें है क्या चीज़ कि ये देखिए ये जो है सॉल्यूशन, इससे ये सॉल्यूशन टैंक है और इससे ये पूरा हम बंद रखते हैं इसको, इससे ये पानी ये देखिए इससे यहां से आ रहा है, ये पूरा यहां पर टी लगा हुआ है दोनों सिस्टम पे, ये देखिए जा रहा है। जरा क्लोज करके दिखाइएगा इधर, ये देखिए ये यहां पर पानी आ रहा है, ये देखिए यहां पर ये पानी आ रहा है, ये देखिए ये पानी पूरा आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये पानी पूरा आ रहा है। इससे क्या रहता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये वापस हमने यहाँ पर ये एक फनल लगाई है, इससे क्या होता है कि ये वापस इससे यहाँ से होता हुआ ये पूरा इसके अंदर गिर जाता है। जरा इधर इसके सॉल्यूशन टैंक के अंदर दिखाइएगा, ये देखिए इसके अंदर पानी गिर रहा है। गिरने से एक और फायदा होता है कि जब ये ऊंचाई से पानी गिरता है तो इससे एक और फायदा होता है कि ये पानी को ऑक्सीजनेट कर देता है। जब पानी में वाइब्रेशन होता है तो इससे पानी की जो ऑक्सीजन होती है वो भी चली जाती है। तो अगर आपके सिस्टम आप इस तरह का शुरू करना चाहते हैं या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है और आपको सॉल्यूशन हीट कर रहा है तो आप इस तरीके का कूलिंग सिस्टम लगा दीजिए। उससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि कम पैसे में, कम बजट में आपको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपका सॉल्यूशन ठंडा रहेगा। क्योंकि अगर आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव गया तो आप समझ लीजिए कि आपका सिस्टम फेल हो जाएगा और आप फंगस को नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे और एल्गी भी आने की संभावना रहती है। अगर फंगस या एल्गी का अटैक हुआ तो समझ लीजिए कि आपका हाइड्रोपोनिक सिस्टम फेल हो गया। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अप्रैल मई जून जुलाई में आप NFT सिस्टम की बजाय वो कोकोपीट बेस्ड करते हैं, वो भी ठीक है, मैं उस पर भी कुछ लाने वाला हूं। लेकिन आपके पास इस तरह का NFT है तो आप हमेशा इस तरह का कोई ना कोई आप टेक्निक लगा के रखिए। तो आपको आज के वीडियो में ये बताना था, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको भी सरफेस कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी मुझसे पूछा गया था, मेरा इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है तो इस पर आपके क्वेश्चन रहते हैं, मेरे आंसर्स रहते हैं, तो ये मेरे लिए बेटर रहता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है उसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। हालांकि मेरा ये पहले से ही सिस्टम लगा हुआ था लेकिन लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि उनका सॉल्यूशन जो है वो गर्म हो जा रहा है, इस वजह से। तो मेरे पास तो तीनों सिस्टम है तो बारी बारी से मैं इस पर भी कैसा इंसुलेटिंग पेपर वर्क करता है इसको भी मैं इस पर भी मैं एक अपना वीडियो ले आऊँगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपको चैनल आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में आपका कोई आपके किसी नए क्वेश्चन के साथ और मेरे उसके आंसर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, आबाद रहिए। भारत फार्मिंग, एक कदम समृद्धि की ओर।